और लगातार हो रहे तीन दिनों से झमाझम बारिश के बाद जिले भर के सभी नदियों और जल स्रोतों ने रौद्र रूप ले लिया है। वहीं इस बारिश से देश के जाने माने प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित दामोदर नदी और भैरवी नदी भी अपने रौद्र रूप में दिख रहे हैं। बताते चले कि इस समय मां छिन्नमस्तिका मंदिर के गर्भगृह के प्रांगण तक पानी पहुंच चुका है। बलि स्थल न्यास समिति कार्यालय सहित कई दुकानें जलमग्न हो चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मां गंगा स्वयं भगवती के चरण पखारने को आतुर हो रही है। इधर नदियों में उफान को देखते हुए मंदिर न्यास समिति एवं प्रशासन की ओर से समय समय पर श्रद्धालुओं को माइकिंग कर पानी में जाने से मना किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम मौजूद है भारत के दूसरे सबसे बड़े सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में। लगातार दो तीन दिनों से हो रही बारिश के बाद मां छिन्नमस्तिका संगम स्थल भैरवी और दामोदर दोनों नदियां जो है अपने जलस्तर से कई गुना ऊपर उठ चुकी है, और ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जिसको देखने के लिए यहाँ आसपास के गाँव और आसपास के क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। वहीं आपको बता दे कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हजारों की संख्या में बाबा धाम और अन्य जगहों से दर्शन कर आ रहे हैं मां छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इस समय हम मां छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण में है, जहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का नजारा है कि जहां लोग लाइन लग के मां भगवती का दर्शन करने आते हैं वहां तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। ऐसे में और भी पानी का जलस्तर बढ़ने का संभावना है। यहाँ हमने बातचीत किया और यहाँ के जो प्रभारी है, प्रशासन की ओर से कड़े निर्देश है कि किसी को भी पानी की ओर जाने ना दिया जाए। हमारे साथ एक श्रद्धालु है जो कि रांची से आए हुए है। ऐसा लग रहा है मां छिन्नमस्तिका मंदिर आकर सावन माह में मन को सुख मिल रहा है, मन शांत हो जा रहा है। मन शांत करना जरूरी है हर इंसान को। मेरा मन शांत हो जा रहा है आके। निश्चित रूप से दो दिन से लगातार बारिश के वजह से जलस्तर काफी बढ़ चुकी है और माँ के मुख्य मंदिर के सीढ़ी तक जलस्तर पहुंच चुका है। इसीलिए जो पहले से भी हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था रहा है, चूंकि आज पानी जो आई है ये नई बात नहीं है, हमेशा माँ के चरण पखारने के लिए दामोदर और भैरवी के रुद्र रूप हर बरसात में कभी ना कभी देखने को मिलती है, और यह शुभ संकेत भी है। और इसी के वजह से हम लोग सबसे पहले बलि स्थान का बदलाव किए हैं, चूंकि आदि काल से अगर वहां बलि बंद हो जाती है तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को पंचवटी में बलि होती है, उसी स्थान पर बलि की व्यवस्था पहले से है, वहीं पे अभी बलि हो रही है। और जो भोग की परंपरा है वो भोग भी बन रहा है, जो भोग घर है वो डूब चुका है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पंचवटी में भोग बन रहा है। तीन साल के बाद ये अद्भुत नजारा आपको दिखाई पड़ रहा है। दो साल बारिश नहीं हुई थी, तीसरा साल में बारिश हुआ है। बारिश के कारण मंदिर परिसर जहां बलिशाला है, नारियल बलि स्थान जहां माँ का भोग घर है, स्टोर रूम हम लोग का डूब चुका है, और आपका प्रांगण में भी पानी भर गया है। जहां लाइन में आके यात्री दर्शनार्थी खड़ा होते हैं उस जगह भी पानी भर गया है। कल से बारिश हो रहा है, और सभी श्रद्धालु से बोला गया है कि नदी के इर्द गिर्द में नहीं जाए। काफी तेजी से दोनों नदी बह रही है और मां छिन्नमस्तिका के मंदिर के इर्द गिर्द में पानी भी घुस चुका है, और प्रशासन की ओर से नदी के उस पार और नदी के इस पार दोनों तरफ से मैं फोर्स तैयार करवा दिया हूं, जो कि कोई भी श्रद्धालु नदी के इर्द गिर्द में नहीं आए, स्नान भी करना हो तो आके अगल बगल से करें, बीच में नहीं जाए। यही सभी से बोलते आ रहे हैं और मैं अनाउंसमेंट किए करते जा रहे हैं 10-10 मिनट पर, कोई भी श्रद्धालु इधर उधर नहीं जाए। पूरा मंदिर में पानी भर चुका है, बलि स्थान से लेके जहां तक कि नारियल बलि होता है।